हेलो एवरीवन वेलकम टू दासू आई सो अभी हम करने वाले है, Daily news Analysis, 24th June okay? MCQs, English, हैं डेली न्यूज एनालिसिस ट्वेंटी फोर्थ जून का ओके एम सी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है लेकिन यहाँ पर जो है आपको सारा मटेरियल इंग्लिश में रहेगा एक्सप्लेनेशन बाई रहेगी ओके चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो यहाँ पे जो पहला न्यूज़ आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू जेट इंजन डील इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट किए वहाँ पे कहाँ पे यूएस में सो जेट इंजन डील इनश्योर्स 80 परसेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू एच ए एल फर्स्ट इंजन इन थ्री ईयर्स सो दिस इज वॉट द आर्टिकल इज अबाउट एंड यहाँ पर कह रहा है कि ये जो जेट इंजन का डील है जो यू के साथ हुआ है हमारा इट इज़ एन ऑलमोस्ट डन डील ठीक है ऑलमोस्ट डन है मतलब हो जाना है इसका मतलब ये ये हाँ पर कह रहा है है कि ठीक तो ऑलमोस्ट हो ही गया है एंड यहां पे ये कह रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा जनरल इलेक्ट्रिक ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसके द्वारा एच ए एल को दिया जाएगा एच ए एल क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनको ये ट्रांसफर किया जाएगा ये टेक्नोलॉजी कितना एट्टी परसेंट की बात हुई है यहाँ पे ठीक है

विल रोल आउट थ्री ईयर्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी कंट्रा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो तीन साल में ये चीज़ जो है वो बन करके रेडी होगी यहाँ पर पहले जो अग्रीमेंट हुआ था दो में वहाँ पर फिफ्टी परसेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी एंड उस टाइम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी वो हुई थी एफ फोर वन फोर इंजिन को लेकर के एफ फोर हंड्रेड एंड जो एंजिन है उसको लेकर के फिफ्टी एट परसेंट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस टाइम में हुई थी ठीक है ये चीज मतलब एक तरीके से मैं आपको फिलहाल समरी बता रही हूँ तो ये चीज जो है यूएस एंड इंडिया के बीच में बेसिकली हो रहा है अब ये डील जो है ये बेसिकली किस चीज के बारे में है ओके ये चीज तो ऑलमोस्ट आपको पता चली गई है कि ये जो अग्रीमेंट है वो आ, जे जी ई और एच ए एल इन दोनों के बीच के है एंड इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजी जेट इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की यहाँ पे बात हो रही है एंड जे जी जनरल इलेक्ट्रॉन दिस जनरल इलेक्ट्रिक्स एफ फोर वन फोर इंजन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया या ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ये जो बात हो रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है ओके क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से चीजें होती है कहीं आ, कहीं कहीं पे ऐसे भी चीजें मेंशन रहती है कि चीजें आएंगी असेंबल यहाँ पर होंगी ओके लेकिन यहां पर क्या चीज हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यही पे होगा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर द इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट दैट इज तेजस एम ओके okay. इसके लिए जो इंजन है वो यहीं पे ही मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में ये जो डील है ये अनाउंस हुआ था जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पे गए हैं एंड गए थे तो उसी टाइम पीरियड में जो है ये अनाउंस किया गया था अब ये जो इंजिन है आ, ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है उनकी इंजन की बात अब करते हैं ये आ, ये एफ 414 इस इंजन के बारे में तो ये जो इंजन है इट इज बाय द यूएस नेवी फॉर ओवर पिछले 30 साल से तीन डेकेट से यूएस नेवी जो है वो इस इंजन का इस्तेमाल कर रही है जिसमें कि टर्बो फैन इंजन है टर्बो फैन फैन जैसा बना रहता है ठीक है इंजन में सो दैट इज वॉट इज द टर्बो फैन ये आप सभी लोगों ने देखा होगा Uh, इसमें जो है इसको अटैच नहीं किया गया है बट इट इज एन ईजी एक बेसिकली एक फैन टाइप जो है यहाँ पे ऐसे बना है इस तरीके से फैन टाइप जो है वो बना रहता है सो दैट इज द टर्बो फैन इस इट फीचर्स द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इंक्लूडिंग द डुअल चैनल फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल एंड अ फ्यूल ड्रॉलिक सिस्टम फॉर नोजल एरिया कंट्रोल सो so, ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ये सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं एंड इसको यूटिलाइज किया जा चुका है इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्रॉम एट नेशंस एंड इस ट्रस्टेड एज अ मॉडर्न फाइटर जेट इसको यूज किया जा रहा है मॉडर्न फाइटर जेट्स में भी एंड बहुत सारे कंट्रीज जो हैं यानी कि लगभग एट कंट्रीज जो हैं उनकी मिलिट्री क्राफ्ट में इस इंजन का इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमको मिलना इज अग डील ये डील जो है वो बहुत बड़ी डील है हमारे लिए बहुत अच्छा है कि ऐसा कुछ जो है वो बेसिकली हो रहा है एंड ये इंजन जो है इसका इसका जो परफॉर्मेंस uh, uh, really so, है ओवरऑल परफॉर्मेंस दैट इज रियली वेरी गुड सो जो थ्रॉटल रिस्पांस है स्टेबिलिटी है अनरेस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस विल बी देयर व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर इंजन सो ओवरऑल ये जो इंजन है दैट इज रियली वेरी गुड क्या ध्यान में रखने हैं आपको चीजें तो पहला पॉइंट तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि किसके बीच में ये डील हुई है राइट right? इंडिया तो है 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 ही साथ साथ में में ये दोनों का ध्यान में रखना है। कितना टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर हो रही दैट यू आर टू कीप इन योर माइंड ओके इससे पहले कितने की डील हुई थी फिफ्टी एट परसेंट की दो हजार बारह में हुआ था ओके okay, कौन से इंजन की हुई है अग्रीमेंट वो ध्यान में रखना है मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे बात हो रही है ओके okay? तो इस चीज का जो है वो ध्यान में रखिएगा ओके okay, तो ये बेसिकली जो है इन साइड दन फोर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजिन ये इंजन है ये थोड़ा सा आ, पिक्सल जो है वो खराब हो गया है बट बेसिकली दिस इज द इंजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर ठीक है अब यहाँ पे जो हम आ, तेजस की बात कर रहे थे उसके बारे में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये तेजस इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते ये जो तेजस है एम के टू ये इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडिया की जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये ठीक है इसमें इट कैन कैरी एट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स नाम से ही पता चल रहा है क्या है यहां पे ठीक है जो ऐसे मिसाइल्स क्रिएट इसमें आठ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो है उसको ये कैरी कर सकता है ये Uh, ये जो तेजस है एंड इंटीग्रेट्स वेपन्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड दैट ऑफ अदर कंट्रीज इसमें वेपन्स भी हैं इंडिया के एंड दूसरे कंट्रीज के नाउ एम के टू ऑफर्स इम्प्रूव्ड रेंज एंड एंड्योरेंस कंपेयर टू दैट ऑफ द द्रीडिज इट मीन्स कि इससे पहले जो uh, थे एयरक्राफ्ट उससे कहीं ज़्यादा बेटर इसकी रेंज है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी करता है अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो एक तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है उससे देख करके ये पता चल रहा है कि ये जो जैगुआस है मिक ट्वेंटी नाइन है मिराज टू थाउजेंड है इसको रिटायर करने कर सकते हैं अगर एम के टू जो है अच्छे तरीके से चल रही है हालांकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है सारी चीज़ें अच्छी है तो इट इज़ बिंग इंटेंडेड कि ये इन सभी चीज़ों को ये जो बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं इनको ये क्या कर सकता है रिटायर कर सकता है ठीक है अब जाइए रिटायर हो जाइए ओके आई कैन डू योर जॉब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट हैज ऑलरेडी कमेंस्ड एंड द एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रोल्ड आउट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो दो हजार चौबीस तक जो है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आ जाएगा मतलब बन करके तैयार हो जाएगी सो so, फिलहाल जो है इसके बारे में ये एक्सपेक्टेड है ये डील अपने आप में बहुत बड़ी बात है डील बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरीके का ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की ट्रांसफर हो रही है आपस में सो दैट इज रियली वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी ई हाईलाइट इट मींस दैट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट वाज अ की हाईलाइट ऑफ दिस यूएस इंडिया इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन डिफेंस सो आईसीईटी का ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली है क्या इंडस्ट्रियल को ऑपरेटिव इकोनॉमिक ऑपरेशन एंगेजमेंट इन डिफेंस ठीक है तो डिफेंस में जो है ये कोऑपरेशन को लेकर के हाँ हाँ हा, हालांकि देखिए ऐसा नहीं है ऐसा की इंडिया जो यूएस uh, जो है इट्स लाइक ऑलवेज पुशिंग इंडिया टू मूव है टू गुड टू डू रियली वेरी वेल एज अ कंट्री और वट एवर एज अ डेमोक्रेसी बट यहाँ पर जो है इंडिया का जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जैसे वहाँ पर स्वागत हुआ है इतना ग्रैंड वेलकम हुआ है ग्यारह बार जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिए गए हैं मोदी मोदी वहाँ पर बोला गया है तो इस टाइप का चीज़ें होना इज़ रियली बिग डील फॉर इंडिया कोई माने ना माने लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस तरीके का वहाँ पे जो है आ, एक सपोर्ट मिलना एक तरीके से इस तरीके से चेयर करना इट एक्चुअली शोज़ कि इंडिया क्या वैल्यू है आज के टाइम में एंड एज़ ऑफ नाउ एज़ यू कैन सी कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है इट इज़ रियली वेरी गुड कि वहाँ पे गए हैं तो कुछ अच्छा भी हुआ है करके डी डेवलपमेंट एफ़र्ट्स अब यहाँ पे जो है ये जो डील इस चीज़ को भी देखता है कि जो इंडिया वॉज एक्चुअली फेसिंग इशू रिलेटेड टू द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स एफर्ट टू डेवलप द इंडिजीनियस इंजन फॉर दी एल सी ए ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप करने के लिए दे वार फेसिंग रियली वेरी लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल तो ये इंजन मिलने की वजह से इसकी टेक्नोलॉजी बेसिकली मिलने की वजह से जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहेगा काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी इंडिया के लिए ताकि हम जो एम के टू टू उसको बेटर तरीके से यूज कर पाए उसका जो जिसको हमने डेवलप किया है बट दिस थिंग इंजिन विल बी इंजिन इज एवरी ना तो इंजिन फेल हो गया एयरक्राफ्ट गया इंजिन बेटर है और ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करने में हेल्प कर सकता है तो इट मीन दैट दैट इज अ रियली वेरी गुड थिंग एंड जहां पे ये कॉम्बैट की बात आती है तो वॉर में वी कैन मेक यूज ऑफ इट है ना यही पे आपने देखा कि इसमें जो है आर्ट क्या है आठ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो हैं ये कैरी कर सकता है सो इट मींस दैट इट्स अ इट इज़ ऑफ ह्यूज इम्पॉर्टेंस फॉर अस हमारा जो लोकेशन है और हमारे जिस तरीके के नेबर्स है हमको हमेशा ही अपने वेपन्स एकदम बहुत ही अच्छे से रेडी करके रखने की ज़रूरत है शार्प रहने चाहिए हमेशा अदरवाइज यू ने वन हो कब चाइना की तरफ से कुछ हो जाए कब पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो जाए नेपाल का भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहता है ओके okay, तो इस वजह से हमको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट सो इंडिया सो प्राइम मिनिस्टर जो है यूएस से आए कहां पर इजिप्ट में सो एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज इंडिया दिस इज नहीं पहले हम दूसरा देखते हैं ठीक है सो इंडिया से गए यूएस यूएस से आए इजिप्ट ठीक है, सो दिस इज हाउ वो बेटर करने की यहां पर कोशिश करी जा रही रही है. है, still, है. तो तो पे पे जो की बात कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू इजिप्ट में अपियर टू बी बिट अंडरवेलमिंग इट इज एनीथिंग बट गुड ठीक है बट स्टिल ठीक है अंडरवेलमिंग है बट कोई बात नहीं दो चौबीस एंड पच्चीस तारीख को जो है ये वहाँ पे इजिप्ट में रहेंगे एंड अभी जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इंडिया और इजिप्ट की टाइज की अगर हम बात करें तो जो हमारा रिलेशन है वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से चल रहा है टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी बी ईसा पूर्व ईसा पूर्व जो जो है तब से से ले लेकर के अभी तक इंडिया का जो एक तरीके से रिलेशन है वो इजिप्ट के साथ इजिप्ट और इंडिया का रिलेशन जो है वो काफी टाइम पीरियड से चल रहा है आप यहाँ पे ये चीज को देख सकते हैं ठीक है इजिप्शियन ममीज वो रैप्ड इन इंडियन मसलिन डाइड विद इंडिगो इन द मिडल ऑफ द सेकंड मिलेनियम BCE. यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट देखिए हिस्टोरिकल पर्पज से ये सारी चीजें बता रहा है ये आपके आंसर राइटिंग में चार चांद लगा सकता है इस तरीके के इंफॉर्मेशन अगर इंडिया इजिप्ट के रिलेशन से रिलेटेड अगर कहीं पे कुछ बोलना हो या फिर बताना हो या फिर लिखना हो तो उस पर्सपेक्टिव से भी आई में भी आप देख सकते हैं ठीक है तो इजिप्शियन जो ममीज हैं तो इजिप्शियन ममीज को जो रैप करने की बात आती थी उनको रैप करते थे बांधते थे तो वो किसमें क्या करते थे इंडिया का जो मसलिन कपड़ा होता था मसलिन जो कपड़ा है उसको उसको बेसिकली जो है उसी में ही रैप करके द इंडियन मसलिन डाइड विद द इंडिगो इंडिगो जो है नील के साथ उसको जो है डाई करके एंड उसी में ही इसको लपेटते थे राइट right? एंड ये सारी चीजें कब होती थी सेकेंड मिलेनियम बीसीई में ये जो है ये काम होता था राइट right? सो so ये जो है एक तरीके से हिस्टोरिकल लिंकेज है इंडिया एंड यहां पे है ये चीज ठीक है इंडिया एंड किसके बीच में अह इजिप्ट के बीच में ओके okay. यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है लैंड ऑफ पंथ पंत द शिप्स टू द लैंड ऑफ पंथ विच हिस्टो विच हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई विद द पेनिनसुलर इंडिया ठीक है तो वहां पे फेरोस जो है वो शिप्स जहाज भेजा करते थे एंड ये जो जहाज भेजते थे लैंड ऑफ पंत में और तो ये पंत जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से हिस्टोरियंस समझते हैं तो ये बेसिकली इंडिया की यहां पर बात हो रही है ओके okay, तो ये जो लैंड की यहां पर बात कर रहे हैं दैट इज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया तो हमने जो इजिप्ट का लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं कि इजिप्ट जो है uh, uh, यहाँ पर अभी न्यूज में है तो इसका क्या लोकेशन है बेसिकली ठीक है तो यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं राइट तो इजिप्ट जो है इट इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है इसके साइड में जो है लीबिया है यहाँ पे आप सूडान देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप इसराइल देख सकते हैं ठीक है इसराइल है एंड इसके अलावा जो इन आ, ये इसराइल को एज अ कंट्री के हिसाब से स्टेटस देने के लिए सबसे पहले पहल जो है वो इजिप्ट नहीं की थी और किसी कंट्री ने इसराइल को जो है वो नहीं माना था एज अ स्टेट एज अ कंट्री नहीं माना था ओके सो दिस इज दी दिस इज दिलेटेड टू द इजिप्ट यहाँ पे आप मेडिटेनियन सी जो है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू दायोलेट्रल टाइज इंडिया और इजिप्ट की जब बात आती है बायोलेट्रल टाइज की तो आपस में जो टाइज है कोई उतनी खास नहीं है हमारा जो एक तरीके से रिलेशन रहा है दैट इज नॉट डार्ट गुड दैट गुड एक्चुअली यू कैन से यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है फ्रेंडशिप थोड़ी ज़्यादा कुछ लोग होते नहीं जो थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और सामने वाले लोग उतने ज़्यादा नहीं होते तो इंडिया वाला वही ज्यादा फ्रेंडली वाला सिचुएशन है एंड इजिप्ट इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड वही अब इंडिया का जो ट्रेड है इजिप्ट के साथ वो दो हजार बाईस तेईस में छः हजार इकसठ सिक्स थाउजेंड सिक्सटी वन डॉलर्स जो है वो बेसिकली इत सिक्स 6,061 मिलियन डॉलर्स का जो है ट्रेड हुआ है इंडिया और इजिप्ट के बीच में ठीक है यहाँ पर 17 परसेंट डिक्लाइन कहा जा रहा है कि 17 प्रतिशत जो है वो डिक्लाइन भी हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये पेट्रोलियम रिलेटेड ट्रेड की जब बात करते हैं तो नियरली वन थर्ड ऑफ द टोटल ट्रेड जितना भी ये ट्रेड हुआ है इस ट्रेड में एक तिहाई जो है वो बेसिकली कहाँ किस चीज से रिलेटेड हुई है तो वो पेट्रोलियम से रिलेटेड हुई है ओके अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया जो है वो इजिप्ट का सिक्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ओके okay, छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है लेकिन वहीं पे ही जब आप इजिप्ट की बात करते हैं इंडिया के हिसाब से तो ये थर्टी एथ पोजिशन पे आता है अड़तीसवा ओके okay. इंडिया उसके लिए सिक्स पोजीशन पे है ट्रेड करने के पर्पज से लेकिन वही पे इजिप्ट जो है इंडिया के लिए थर्टी एट पोजिशन पे आता है इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट वर स्प्रेड अक्रॉस फिफ्टी प्रोजेक्ट टोटलिंग थ्री पॉइंट वन फाइव बिलियन डॉलर सो इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट में वो इतनी है बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया पचास प्रोजेक्ट में वहां पे इजिप्ट में लगा चुका है विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम अ सिंगल कंपनी ओनली अपार्ट फ्रॉम दैट इजिप्ट इन्वेस्टमेंट इजिप्ट की इन्वेस्टमेंट इंडिया में बात करें तो सिर्फ थर्टी सेवन मिलियन डॉलर्स है ओके okay. इंडिया की बात करें तो वहां पे वो बिलियंस में कर रहा है लेकिन वहीं पे ही अगर आप इजिप्ट की बात करें इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो ये कितना कर रहा है 37 मिलियन डॉलर्स कर रहा है दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके आपके इसके पर्सपेक्टिव से आ, आ, क्या कहते हैं मेन्स के परस्पेक्टिव से बिकॉज इन द मेन्स यू आर सपोज टू राइट लॉट्स ऑफ थिंग्स नॉट ओनली द सम अमाउंट सम डेटा ऑल्सो ओके okay, कुछ डेटा भी आपको उसमें डालना पड़ता है राइट right? जो नंबर ऑफ इंडियंस है इजिप्ट में वो 5000 से नीचे ही है कोई बहुत ज्यादा इंडियंस नहीं है वहां पे विथ नियरली अ फिफ्थ ऑफ देम बीइंग द स्टूडेंट्स ओनली सो ज्यादातर जो है वहां पे वो स्टूडेंट्स ही रह रहे हैं ठीक है एंड फाइव थाउजेंड से नीचे ही है वहां पे नंबर्स सो so, इंडिया की अगर बात करें तो ऐसा दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जहां पर कि इंडियंस ना हो बेसिकली सो इजिप्ट में भी यू कैन फाइंड इंडियंस ऑपरचुनिटीज़ एंड दैट ऑफ द चैलेंजेस ओवर ही इंडिया यहाँ पर जब uh, ये इजिप्ट की बात आती है तो इजिप्ट एक अच्छी खासी बड़ी कंट्री है कोई बहुत छोटी तो कंट्री है नहीं ठीक है ये बड़ी कंट्री है एंड इसका जो पॉपुलेशन है वह वन हंड्रेड एंड फाइव मिलियन है इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एट बिलियन डॉलर्स की ये इकोनमी है ओके okay? इकोनॉमी भी अच्छी खासी है लोग भी अच्छे खासे हैं इसमें ये जो कंट्री है इट इज़ ओबियसली काफ़ी एम्बिशियस है जो भी ग्रो करने के सिचुएशन में हर कोई जो कंट्री एम्बिशियस है आई फील सो ओके तो ये काफ़ी एम्बिशियस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के इस एजेंडे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा uh, ये एम्बिशियस है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट्स हो गए जिसमें कि न्यू कायरो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो गई हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात हो गई तो इन सभी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन सभी को बेटर मतलब एक तरीके से कहें तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इजिप्ट जो है वो काफी ज़्यादा क्रेव कर रहा है यू कैन से अपार्ट फ्रॉम दैट लार्जेस्ट इंपोर्ट इजिप्ट के लार्जेस्ट इंपोर्ट जो है वो किस चीज को लेकर के है रिफाइंड पेट्रोलियम व्हीट कार्स कॉर्न फार्मास्यूटिकल्स दीज आर द एरियाज एंड यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं पेट्रोलियम को एक हद तक अगर आप इग्नोर भी कर दे लेकिन वीट को, यहाँ पे कार फार्मास्यूटिकल्स जो हैं ये बेसिकली इंडिया इसको आ, आ, एक्सपोर्ट कर सकती है बेसिकली ठीक है यहाँ पे कौन भी कर सकती है वैसे कौन भी कर सकती है पोटेंशियली वी कैन सप्लाई ओवरऑल दीज थिंग्स टू दट ऑफ द इजिप्ट लेकिन इसके लिए ओबियसली बात है कि हमारी टाइर्स जो है थोड़ी बेटर करने की यहाँ पर जरूरत है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जो इजिप्ट है इट इज आल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस आल्सो जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो गई इन्फ्लेशन जो है तीस परसेंट से ज्यादा है इसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो गई है एंड फॉरेन एक्सचेंज स्कार सिटी एक तरीके से देखिए मोटा मोटा मैं अगर बात बोलूँ तो अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है ओके सॉरी अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कंट्री ठीक है अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस जो कि द तो पीपल आर स्टाविंग राइट यहां पर लोग जो है वो बहुत ही खराब सिचुएशन में है बहुत खराब सिचुएशन में है विच इज समथिंग यू नो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो आई फील लाइक कि पता नहीं ये यूएन जो है वो क्या कर रही है वहां पे गॉड नोज सिर्फ फोटोज ही क्लिक हो रहे हैं या फिर कुछ इक्के दुक्के लोगों को ही वो सर्व uh, कर रही है वट दे आर डूइंग फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स दे आर सर्विंग एंड आप देख रहे हो कि कुछ भी खास चेंज नहीं है मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे तो इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट मोरक्को मोरक्को से रिलेटेड जो है मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड माई हजबेंड एक्चुअली वॉज देय सो ही टोल्ड मी की जो जैसे कि आप बिस्किट्स uh, है राइट right, आपने खाए उसको जो है थोड़ा सा ओपन में रह जाता है वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है राइट right? या फिर कोई ऐसी चीज जो आपने खाया आपको पसंद नहीं आया आपने छोड़ दिया करके तो देवर एक्चुअली लेडिंग ओ और सारा जो शिप पे जो भी प्लास्टिक की चीजें थी एंड ऑल सारी वो सारी चीजें जो थे देवर एक्चुअली गिविंग इट ऑफ उसको जो है हटा रहे थे नॉट गिविंग बट बेसिकली उसको वहां से शिप से जो है सारी चीजें खाली कर रहे थे एक तरीके से गंदगी है हमारे लिए है ना ले तो हम उस चीज को हटा रहे थे सो वट हैपन द पीपल हु केम ओवर देयर ऑन द पोर्ट टू कलेक्ट ऑल दो अमंगज बिस्किट वो बिस्किट्स के लिए वो फाइट कर रहे थे जिसको हम खाना नहीं चाह रहे हैं उस चीज के लिए वो फाइट कर रहे हैं गंदे एकदम कपड़े हैं उस कपड़ों के लिए फाइट कर, कर रहे हैं मेडिसिन वॉन्ट टू ईट इट उनको भूख लगी है तो वो एक्सपायर्ड मेडिसिन भी खा करके अपना पेट जो है वो पालने के लिए दे आर रेडी टू डू टू डू दिस थिंग ऑल्सो सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली वेरी or i don't know what to word use for these kind of stuff and all so the un i don't know what the un is doing इन एफ्रीका फ्राम ऑल दीज ऐसी बताने का मतलब ये था कि ये जो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज हैं दे आर फेसिंग मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर क्राइसिस इज दंग विच इज एवरीवेयर ओवर देयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये फूड क्राइसिस को जो लेकर के सिचुएशन है एंड ऑबियसली बात है तो फिनेंशियल क्राइसिस है फूड उसी वजह से वो सारी चीज़ें भी हैं इन्फ्लेशन भी अच्छी खासी है तो so, ये जो चीज़ है इजिप्ट में है इजिप्ट की भी यही कुछ इश्यूज़ जो हैं वो बेसिकली निकल के सामने आ रही हैं लेकिन इजिप्ट में ऐसा खास जो इस टाइप का सिचुएशन ही नहीं एक्सप्लेन के ऐसा कुछ कभी देखने को मिला है खैर द गवर्नमेंट हैज डिफर्ड पेमेंट्स फॉर असेंशियल्स लाइक दैट ऑफ द वीट एंड इम्प्लीमेंटेड टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट आर फेसिंग ऑफ ड्यू टू द एंट्रेंचड इंटरेस्ट एंड क्रोनी कैपिटलिज़म यहाँ पे जो है वीट की सप्लाई को लेकर के ज़रूर है कि वीट नहीं सप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा इशू जो है ऑब्वियसली वहाँ पर रेज़ होता है अपार्ट फ्रॉम देट ये जो फ़ॉरेन डेट नेट फॉरेन एसिड जो हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेजर कंसर्न एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो फॉरेन एसेट एंड फॉरेन डेट जो है वो बहुत बड़ा इशू है इसी चीज को लेकर के आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एंड श्रीलंका का क्या सिचुएशन हुआ था तो यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड की क्या सिचुएशन है इनकी भी सो दे आर ऑल्सो इन द एक तरीके से पिटफॉल यू कैन से सो टू अवॉइड इंडिया को क्या चीजें जो है वो बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इजिप्ट जो है कोई खास उतना अच्छा दोस्त है नहीं तो जो उतने खास अच्छे दोस्त होते नहीं है लेकिन यू आर रियली वेरी गुड टू देम तो तो भी जो है एक लाइन मेंटेन करके रखनी पड़ती है अदरवाइज चीजें बहुत खराब हो सकती है तो वही चीज यहाँ पर भी है तो इंडिया को जो है काफी केयरफुली चीजें करनी चाहिए इजिप्ट को लेकर के इजिप्ट को लेकर के एंड वहाँ पे अपने को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने लिए कौन सी ऑपरचुनिटीज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं बाई ओबियसली यू नो टू उनके साथ जो है बेटर रिलेशन करके अपनी रिलेशन जो है उनके साथ और बेटर करके ठीक है मैनेजेबल इको पोलिटिकल रिस्क में बी एक्सेप्टेबल जो भी चीजें लगती हैं कि ऐसा कुछ है सिचुएशन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जिसको कि हम हैंडल कर सकते हैं जिसको कि बेसिकली हम अवॉइड कर सकते हैं ठीक है तो उस टाइप की चीजों को अवॉइड करें तो दैट वुड बी बेटर इनोवेटिव अप्रोच की जरूरत है जैसे कि एग्जिम लाइन्स ऑफ क्रेडिट बाटो एंड रुपी ट्रेडिंग कैन बी एक्सप्लोर्ड ओवर हियर ओके okay, हम पैसे में आपके साथ डील रुपए में आपके साथ जो है डील करेंगे अगर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल एकसेप्टे हो जाती हैं तो दैट वुड बी रियली वेरी गुड फॉर इंडिया एज वेल एज टू द इजिप्ट आल्सो इंडिया को अवॉइड करना चाहिए जिस तरीके का एक्सपीरियंस हमारा इराक के साथ रहा है ओके वेर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ड्यूज द इंडियन टैक्स पेयर्स ठीक है तो बेसिकली क्या इराक में हमने जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया वहाँ पे जो है फिर बाद में लेटर ऑन उसके पेमेंट को लेकर के दिक्कतें हुई उसमें जो है बैठा नहीं बात हमारा बात जो पहले हुई थी उस चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए इवेंचुअली यहाँ के जो पैसे हैं लगा करके वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो भी खर्चा हुआ तो वो लोग के पैसे से हुआ रादर इट व, इट वॉज सपोज टू बी फॉम बाई द ओके okay, उनके लिए होना था उन्हीं के पैसे से होना था लेकिन वो चीजें जो हैं वो बे, बेसिकली गड़बड़ हो गई यहाँ पे ट्राइलेटरल फंडिंग अरेंजमेंट्स जो है वो हो सकती हैं जिसमें कि हम ट्राइलेटरल बोले तो जैसे इजिप्ट इंडिया हो गया एक और कोई गल्फ का बंदा गल्फ की जो कंट्री है उसमें से किसी को उठा लिए या फिर जी या फिर मल्टी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इन्वॉल्व करके इजिप्ट की हेल्प करी जा सकती है जिसमें कि अभी से बात है कि इजिप्ट वुड बी रियली वेरी थैंकफुल इफ दे टू बी क्या तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है वहाँ पे भले दो दिन की है बट दैट कुड प्रूव टू बी रियली वेरी गुड फॉर आस अस इन द सेंस हमारी कंट्री और इजिप्ट के लिए अच्छा हो सकता है इफ अगर जो है वो लोग सही ढंग से चीजें जो है आगे लेकर के चल पाते हैं तो तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान में रखने वाली चीजें क्या हैं ये पिटफॉल्स टू अवॉइड इजिप्ट में क्या चल रहा है We need to know this. And ये जो मैंने आपको बताए थे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दिस ब्रिजिंग द गैप एफर्ट्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पेरिटी मस्ट कंटिन्यू इन दिन सो दिस इज वॉट द आर्टिकल इज ओवरऑल जेंडर गैप रैंकिंग ये चीज़ तो हमने कल करी थी एमसीक्यूज में तो जेंडर गैप रैंकिंग थी तो इंडिया जो है एक नंबर पे आया है एक से मतलब 146 कंट्रीज हैं उसमें से वन रैंक पे जो है वो इंडिया है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में ठीक है अब यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली कौन रिलीज करती है ये हमने कल एम में किया हुआ है तो यू शुड नो द आंसर ओवर हियर रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स 64.3 ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से दिखा रहा है कि इतनी जो जेंडर गैप थी वो बेसिकली कम हो गई है ओवरऑल जेंडर गैप एंड ये जो सिग्निफिकेंट रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ की मार्कर्स यहाँ पे बेसिकली ये चीज ये बता रहा है कि ये ये जो नंबर है ओके okay, ये काफी सारे avenues जो है वो बेसिकली ओपन कर रहा है एंड इट इज आल्सो शोइंग इंडिया में जो है बेटर चीजें हो रही हैं, है ना लेकिन फिर भी बहुत सारी जो गड़बड़ चीजें भी चल रही हैं, बट कोई नहीं चलता है धीरे धीरे ही धीरे धीरे मन मना मनवा धीरे धीरे सब होए तो वही चीज़ है सो की मार्कर्स जो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही थी कि कौन से की मार्कर्स हैं जो कि बेसिकली वुड बी रियली वेरी गुड पॉजिटिव चीज़ें जो है हो सकती हैं ये ये जे जो जेंडर पेरिटी गैप है उसके कम होने की वजह से तो पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी ओके तो इंडिया रैंक्स मेल फीमेल की बात हो रही है बेसिकली ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है कि फोर्टी परसेंट ही पेरिटी है उतना ज्यादा अगर आप फिनेंशियल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या फिर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वो उतनी ज्यादा पेयरिटी नहीं है अभी भी एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस इंडिया की देखने के लिए मिली है ये जो स्केल है जिसके जिसके पैमाने पे जो ये सारे स्केल्स है बेसिकली कुछ स्केल्स है जिसके बेसिस पे जो है इंडिया का ये जो पैरिटी गैप है वो बनाया गया है हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिया का जो परफॉर्मेंस हेल्थ एंड सर्वाइवल को लेकर के है तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है दैट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट ऑल रेशियो एट बर्थ हेज शोन प्रोग्रेस ओवर हियर तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस इंडिया की जो हेल्थ का हेल्थ सर्वाइवल हेल्थ एंड सर्वाइवल से रिलेटेड जो इशू है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की हमको ज़रूरत है हालांकि जो बर्थ के टाइम में जिस तरीके का जो सेक्स रेशियो है वो ठीक ठाक फ़िलहाल है काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसमें प्रोग्रेस देखने के लिए मिला है पॉलिटिकल एम्पावेंट की अगर हम बात करें तो जो रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का पार्लियामेंट में वो सिर्फ फिफ्टीन है ओके okay, वो सिर्फ फिफ्टीन पॉइंट वन परसेंट है विथ हायर रिप्रेजेंटेशन एट द लोकल गवर्नेंस लेवल ये सारी चीज़ें हमने कल के एमसीक्यूज़ में हालांकि कवर करी हुई हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फिफ्टीन पॉइंट वन परसेंट है पार्लियामेंट में लेकिन ज़्यादातर जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें वुमेन रिप्रेजेंटेशन की तो वो लोकल गवर्नेंस पे ज़्यादा अच्छे से हो रही है वो ज़्यादा बेटर तरीके से वहां पर हो रही हैं ओके विमेन रिजर्वेशन बिल यही चीज़ की बात मैंने कल भी करी थी कि ठीक है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है ये वो ब्लै ब्लैक गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें बातें करती है लेकिन रिजर्वेशन बिल की जहाँ पे बात आती है जहाँ पे थर्टी थ्री परसेंट सीट जो है लोकसभा में और स्टेट uh, असेंबलीज में बेसिकली uh, 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 ये रिज़र्व करने की बात कर रहे थे फॉर द लेडीज़ ये अभी तक पास नहीं हुई है तो इस चीज को लेकर के बेसिकली हमेशा जो है आवाज रेस किया जाता है कि हाँ आप तो इस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से बोल रहे हैं लेकिन जब इसको पास करने की बात होती है तो वो पास नहीं होता है राइट द बिल वॉज इंट्रोड्यूसड इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स एंड तब से लेकर के अभी तक पेंडिंग ही है <laughs> तो ये अभी तक जो है पेंडिंग ही है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑपरचुनिटी की जब बात करें तो इक्वल एक्सेस जो इकोनॉमिक चीजों को लेकर के है इंडिया नीड्स टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस फॉर मेन एंड वेमेन इंडिया को प्रोवाइड करने की जरूरत है ठीक है तो इक्वल एक्सेस आदमी और औरतों दोनों को ही पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी इससे रिलेटेड भी मैंने कल बहुत डिटेल में बात करी थी राइट पेरिटी इन वेजेस ये भी एक बहुत बड़ा इशू है वेजेस में पेरिटी की बात करें इनकम में पेरिटी की बात करें ये बहुत बड़ा मेजर इशू है कल भी मैंने यही चीज कही थी कि अपॉर्चुनिटीज की जब बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर आप बात करिए जैसे कि एयरटेक प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करती हूँ कितने एयरटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि आपको गुड नंबर ऑफ लेडीज देखने के लिए मिलेंगे हाउ मैनी यू कान यू कान नॉ यू कान नेम इवन अ सिंगल वन जहां पर कि जो आप कहें कि हाँ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो लेडीज का है हर जगह डोमिनेशन रहता है मैन का राइट right? एंड उसके पीछे रीजन भी बहुत ही अजीब और गरीब रहते हैं खैर छोड़िए उसको यहाँ पर जो इनकम और वेजेस की पेरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से लेकिन फिर भी लेडीज आर स्टिल लेडीज आर स्टिल रेडी टू वर्क अपर्चुनिटी तो दे तो वही चीज नहीं है यहाँ पे ठीक है सो so, ये चीज़ दिस हैज़ इम्प्रूव्ड दो दिस हैज़ इम्प्रूव्ड बट अभी भी जो रिप्रेजेंटेशन की बात आती है विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात आती है सीनियर पोजिशन पे और टेक्निकल रोल्स में तो वहाँ पे ये ड्रॉप किया है वहाँ पे जो है ये बेसिकली डिक्रीज किया है तो ये जो है वो इशू एक्चुअली देखने के लिए मिल रहा है कि ठीक है पेरिटी जो थोड़ी बहुत बेटर हो रही है एंड लेकिन जो टेक्निकल इशूज हैं मतलब टेक्निकल रोल्स हैं या फिर जो बेटर आ, बेटर पोजीशंस हैं हायर पोजीशंस बेटर क्या भैया हायर पोजीशंस हैं वहां पे जो है दिक्कतें हो रही हैं जरूर क्योंकि वहां पे वी आर नॉट सींग एक तो इम्प्रूव नहीं हो रहा उल्टा सा जो है वो डिक्रीज हो रहा है चैलेंजेस क्या हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल को लेकर के तो यहां पर एक्सेस की अगर बात करें एजुकेशन की And paid working, तो ये बहुत ही क्रूशल हो जाता है फॉर द गर्ल्स एंड पे अपने ही घर पे काम कर रहे हैं तो वो वैसे भी अपने घर पे काम कर रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा भैया अपने घर पे काम करेगा पैसे लेने तो दैट वो चीज अच्छी नहीं लगेगी दैट्स वेरी ऑब्वियस लेकिन पढ़ने के बाद जॉब ना करने दें या भले ही उनकी चाहते अगर नहीं चाहते तो दैट्स बट चाहते हैं तो ओके अपार्ट फ्रॉम दैट पढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना तो दैट इज ऑल्सो अनदर इशू एक्सेस टू एजुकेशन एंड दैट ऑफ द पेड वर्क इज नॉट बीइंग डन जॉब अ एजुकेशन फॉर द गर्ल्स ऐसा एजुकेशन जो कि गर्ल्स को दिया जाए जिसकी वजह से जॉब लग सके मैं तो चाहूंगी कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बेसिकली बॉयज के लिए भी फोकस होना चाहिए ओनली गर्ल्स बट फॉर बॉयज हर किसी को सर्वाइवल का है है ठीक तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ही जॉब अशोर्ड जो एजुकेशन है वो देना चाहिए एंड दिस कैन इम्प्रूव द डेवलपमेंट इन डाइसेज ऑल्सो गर्ल्स को जब आप एजुकेट करते हो वो जब जॉब करती हैं बेटर इनकम आता है घर में ठीक है तो डेवलपमेंट तो होता ही घर का न्यूट्रिशन भी बेटर होता है राइट एंड हेल्थ भी बेटर होती है फैमिली की एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ अर्ली मैरिज एंड पुअर मेटर्नल एंड दैट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ आल्सो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको नहीं पढ़ाया जाता है उनको नहीं पढ़ाते हैं एंड दे आर गेटिंग मैरिड एट थर्टीन ईयर्स फोर्टीन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स सिक्सटीन ईयर्स सेवनटीन ईयर्स एटीन ईयर्स तो आप सोचिए कि इतनी छोटी ए, ए, छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो हो जाती है पढ़ नहीं रहे लड़की क्या करती है नहीं पढ़ा है पढ़ी तो नहीं है ठीक ठाक पढ़ ली है सिक्स सेवेंथ पर सिक्स सेवंथ क्लास उसने पढ़ लिया है वो भी नहीं पढ़ाए हैं घर का काम कर लेती है घर का काम कर लेती है घर संभाल लेती है ठीक है चलो जाओ शादी कर लो एज इफ शादी करना इज जस्ट ओनली लिमिटेड टू घर संभालना ओनली शादी आप अपने घर में घर संभालना ससुराल में जाके घर संभालना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है राइट अब इतनी छोटी छोटी लड़कियों की अगर आप शादी करा देंगे ये प्रेग्नेंट होंगी ठीक है तो इनका जो हेल्थ रहेगा दैट वुड बी रियली वेरी पुअर बहुत ही बहुत ही हा, बुरा हाल होगा इनका हेल्थ का इनका हेल्थ खराब होगा तो अवेश बात है कि इनके बच्चे की भी हेल्थ खराब होगी इम्पैक्ट पड़ेगा ऑबियस सी बात है राइट right? बहुत सारी लड़कियों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस अर्ली प्रेगनेंसी इतने कम एज में प्रेगनेंट होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है सो ऑल दीज इशूज़ ओवर देयर सो एजुकेशन इज समथिंग जो कि बहुत बड़ा हथियार है गर्ल्स के लिए पेरेंट्स के लिए दे ऑबियसली नीड टू एजुकेट द गर्ल्स इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक पैंडमिक की जब बात आती है कोरोना की वजह से तो कोरोना की वजह से क्या हुआ है लेडीज़ ये जो विमेन्स विमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई है बिकॉज ऑफ दिस पैनडेमिक ये जो रेट है काफ़ी ज़्यादा गिर गया है एंड हाउस होल्ड इनकम जो है वो भी गिर गया है बिकॉज जो भी लोग हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे डे वॉर वर्किंग अपना जॉब खो दिए हैं उसके बाद जो है हस्बैंड जैसे तैसे काम करना स्टार्ट किया है लेडी को काम नहीं मिल रहा है तो घर का इनकम भी गिर गया है एंड जो पार्टिसिपेशन है वो भी उसकी चली गई है पेट्रियार्किकल एंड कल्चरल नॉर्म्स सेफ्टी कंसर्न अदर बैरियर्स हिंडस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच इज ऑब्वियसली विच दिस इज समिंग which actually happens also right तो देखिए पेट्रियॉर्किकल सोच जो है वो तो है ही है ठीक है रूढ़ी रूढ़ीवादी जो सोच भी है उसके अलावा जो कल्चरल चीज़ें हैं कि नहीं भई आप जो है घर संभालिए लड़कियां जो है घर संभालने के लिए हैं लड़के बाहर जाके काम करने के लिए हैं तो इस टाइप की चीज़ें एंड जो लड़कियां बाहर जाती भी हैं जो लेडीज़ बाहर जाती भी हैं काम करने के लिए तो उनके लिए सेफ्टी कंसर्न एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है वर्क प्लेस पर भी हारसमेंट होता है आना जाना इधर उधर तो उधर भी जो है सेफ्टी इशू होती है एंड बहुत सारे बैरियर्स हैं बेसिकली लेडीज़ को लेडीज़ जो है बहुत सारी रुकावटें फेस करती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ओके okay, तो ये सारी चीज़ है तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली ऑबियसली बात है कि जेंडर इक्वालिटी करने में किस तरीके से जो है वो एक्चुअली जेंडर पेरिटी बेसिकली उसको होने में हेल्प करेंगी ऑब्वियसली <laughs> एक तरीके से ये हर्डल ही क्रिएट करेंगे ये सारी के सारी चीजें कंटिन्यूइंग द वर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी की बात है कि बहुत सारे इश्यूज जरूर हम लोग फेस करें बट इट मीन दैट स्टेप बैक नो वी शुड ऑलवेज फॉरवर्ड भले ही इतने सारे जो इशूज जरूर हैं उन सभी सारे इशूज को रिजोल्व करते हुए हमको आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है डिस्पाइट सेट बैक्स कॉज बाई दैंडेमिक एफर्ट्स टू ब्रिच द जेंडर गैप मस्ट कंटिन्यू ऑर्नेस्टली पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे इश्यूज जरूर हुए हैं बट इट्स ओके कोई बात नहीं वी नीड टू मूव अहेड कभी भी जिंदगी में कोई भी सेटबैक आए कोई भी दिक्कत हो तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप वहीं पे छोड़ छाड़ के चीजें वहीं पे ही बैठ जाओ नो यू आर सपोज टू मूव हेट आगे बढ़ते रहना चाहिए ठीक है कभी पीछे नहीं रहना चाहिए तो जेंडर इक्वालिटी अचीव करने की बात है 2030 तक लेट्स सी दैट ये हो पाता है कि नहीं ये एक आर्टिकल है जिसको मैं चाहूँगी कि मैं इसको सेपरेटली कवर करूं बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको कुछ मिनट्स में कवर करना इज नॉट गुड एक्चुअली क्योंकि ये हमारे जीएस पर्सपेक्टिव से हमारे प्रिलिम्स एंड मेन्स एंड प्लस इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू जो है इन सभी के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज यू सिविल कोड तो इसको आई विल बी कवरिंग सेपरेटली हालांकि आपको ये PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे राइट बट स्टिल मैं इसको सेपरेटली कवर करूंगी ओके चलिए सो दिस इज इट रिलेटेड टू टूडे न्यूज आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा एंड यू पीपल आर एंजॉइंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज मैं इस चीज़ को ध्यान में रखिए भाई कि कल जो है एथिक्स का डेमो क्लास है तनु मैम लेंगे उसके अलावा ट्वेंटी सिक्स को जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है एडमिशन ले लीजिए इसके अलावा जो है ट्वेंटी फिफ्थ को स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ठीक है चले सो टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट क्लास